मानसिक बीमारियों को छुपाएं या न छुपाएं, मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। हर इंसान मानसिक रूप से व्यवस्थित व्यथित होता ही होता है। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। यहां मानसिक रूप से परेशान दुनिया सारी है। हर चौथा भारतीय मानसिक रोगी है और मानसिक उलझने मानसिक प्रॉब्लम तो हर इंसान के जीवन में है। तो क्या मानसिक रोगों के बारे में खुल के बात होनी चाहिए या चुप चुप के होनी चाहिए या बंद कैबिन में होनी चाहिए या पब्लिकली बात हो, इस विषय पर ये वीडियो है। तो चित्रसेन जी आए हैं हस्तिनापुर से, उनकी मम्मा भी हैं। तो चित्रसेन जी ने भी 2 साल अपनी प्रॉब्लम को छुपाया, उसके बाद घर पे बताया तो उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया कि घर पे बता दिया। वरना पत्नी को दिक्कत है तो पति तक को नहीं बता पाती है और पति पत्नी को नहीं बताता, कहीं पागल समझ ले, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर मानसिक समस्या के बारे में बता दिया तो पागल समझेंगे और कुछ हमें पता नहीं है। पागलपन का जरूर पता है भाई, पागल कोई नहीं होता और थोड़े बहुत पागल तो सारे ही होते हैं। हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा पागल हूं किसी मामले में और मैं पागल बन के रहना ही चाहता हूँ। खुशी मिलती है, आनंद लेना चाहिए ना जिंदगी का, चाहे कैसे भी लो। शाने बन के दुखी हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, ऐसा शाने बनने का कोई फायदा? तो इस विषय में चित्रसेन जी आपके विचार क्या है? अपने ही आपको दिक्कत देंगे इस तरह का कोई। तो आपने 2 साल क्यों छुपाया और फिर बताया तो क्या सोच के बताया? पहले तो जैसा हो जाता है ना, तो आदमी सोचता है कि क्या समझेंगे, हाँ, घर वाले क्या सोचेंगे, पागल सोचेंगे, पागल सोचेंगे, प्लस घर वालों की नजर में कैसे। इसलिए प्रॉब्लम तो कुछ और थी, हाँ, लेकिन वैसे समाज से जुड़ी हुई थी कि आदमी या ना भी जुड़ी हो, आदमी हेजिटेट होता है ये सब एज अ प्राइवेसी चाहे जो भी समझिए, हाँ हाँ। तो फाइनली मैंने बताया, हाँ हाँ, अपनी प्रॉब्लम कि ये दिक्कत है, हाँ हाँ, काउंसलिंग भी कराई, साल भर डॉक्टर पास भी गया, फिर बीच में कम हो गया था, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ था, प्रॉपर नहीं सही हुआ था बीच में। फिर जैसे अभी 24 में नाव की दुकान पे गया, ब्लड उसने मेरा पूछ दिया, तो फिर ऑर्डर ट्रिगर ये वो बढ़ गया, फिर और यूरिन पॉट पे जाने पे डर लगने लगा पब्लिकली कि वहां से इन्फेक्शन न हो, छिट्टा पड़ जाता है, हाँ। इस तरह के बहुत, मतलब हर जगह वही चीज, मतलब जो आदमी जो नहीं सोचता था मैं उसमें सोचता था, इसलिए मेरे चारों तरफ वही नाचता था। फिर फाइनली आपका वीडियो देखा जो आपने उस पे बनाया था, नाई की दुकान वाला, मैंने वही वीडियो देखा था, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं फर्जी में डर रहा हूँ, तो मुझे लगा मुझे आपसे मिलना चाहिए, फिर मैं आपके पास आ गया। जी बहुत बढ़िया, हाँ। देखिए आपने परिवार में बताया तो परिवार ने सहयोग किया ना, तो जिसको भी मानसिक रोग हो वो परिवार में जरूर बताएं, परिवार सहयोग ही करता है, जैसे रिश्तेदार भी सहयोग करते हैं। जैसे आपको अगर खांसी जुकाम या बाकी शारीरिक रोग है तो रिश्तेदार ये कहेंगे ना, फिर डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका दवा पानी करवाओ या घर में रखेंगे वो। तो ऐसी मानसिक समस्या है उसके लिए भी रिश्तेदार यही कहेंगे कि इसको इलाज करवाओ, भी हम सहायता देंगे। तो आप मानसिक रोगों के बारे में खुल के बताएंगे, आपने बताया है, आपने समझा है, ये बहुत अच्छी बात है, तभी आप ठीक हो पाए, वरना यहाँ ना पहुंच पाते। वरना लोग कुछ आ जाते हैं बुले भटके, वो बता कर आएंगे कि हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, इलाज लेने पहुंच जाएंगे अकेले, लेकिन ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। अब पुरुष तो आ भी सकता है, महिला कैसे आएगी? अब पति को नहीं बता सकती, किसी को नहीं बता सकती, अब भाग के आ जाएगी क्या? इसीलिए अकेले इनको छोड़े नहीं। हाँ, अब महिला आ कैसे सकती है ना, वो तो पति के ऊपर डिपेंड है। तो अब महिलाओं की जिंदगी देखो कितनी नरक बनी हुई है,
पुरुष तो जैसे तैसे करके इलाज ले सकते हैं, मैं पुरुषों की चिंता कम करता हूँ, लेकिन महिलाओं का इस धरती पर बुरा हाल है। ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ समाज में ये या बीमारी या जो भी कहिए, ये देखने का नजरिया ही थोड़ा समाज का, या समाज हमसे ही बनता है। पहले हमने नजरिया बदलना है, समाज बदलेगा। हमसे ही समाज बना है, एक एक व्यक्ति से ही समाज बना है। हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना है, शुरुआत हमसे होगी, दूसरा नहीं बदलेगा, ना हमें दूसरे को बदलना है, बदलना खुद को ही है जी। देखे थे तीसरे दिन उनके पिताजी का हमको वहाँ जाएंगे तो हमको जरूर सहायता मिलेगी, जरूर हमको दिल से वही विश्वास हो गया बेटी के आपसे विश्वास, वहाँ जाएंगे तो जरूर। सही बात। अब आप एकदम खुश हैं, HIV का डर भाग गया, सारे डर। तो ये हमारा लास्ट सेशन रहा, समाप्त करें जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, उम्मीद क्या, मुझे पूरा यकीन है कि आप अब हमेशा खुश रहेंगे, और आने वाले सालों में पता नहीं कब कहाँ आपसे मुलाकात होगी, और तब आप से हो सकता है अपॉइंटमेंट लेकर मुझे मिलना पड़े। नहीं। इस बार अपॉइंटमेंट लेकर आप आए हो, अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की बारी मेरी है। एक बार शादी में जरूर बुला लेना। जरूर। आप भी बच्चों की शादी में आपको बुला। मैं अपने विचार बता देता हूँ, मैं शादी बच्चों की, इस मरीज की तो करने वाला नहीं हूँ। बाकी सबको इनवाइट करूंगा, आप भी उसमें आमंत्रित रहेंगे, और मैं पर्सनली फोन भी कर दूंगा, जिस जिन जिन के मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर हैं उनको मैं फोन करूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।